गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हीट ऑफ कंबल्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि हम वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने हीट ऑफ कंबल्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि जो हीट ऑफ कंबल्शन है या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबल्शन है, उसका क्या यूज है। ठीक है, तो यूजेस ऑफ हीट ऑफ कंबल्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबल्शन, यानी जो हीट ऑफ कंबल्शन हम याद करते हैं उसका हम अदर क्या यूज करते हैं। देखिए, हीट ऑफ कंबल्शन की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड का हीट ऑफ कंबल्शन हम याद करते हैं, तो उसकी हेल्प से हम उस कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन भी याद कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा का याद कर सकते हैं। जैसे कि CH4 है, इसका कंबल्शन हो रहा है CH4O2 से बना CO2+H2। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन का कंबल्शन होगा तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही है ओनली, तो कंबल्शन होगा तो क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा। अगर हाइड्रोकार्बन के अलावा अदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, ये हेटरोएटम या फिर कहूँ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ये एटम प्रेजेंट है, तो उसका अगर कंबल्शन करेंगे तो उसी हिसाब से जैसे SO2 SO3 गैस बन जाएगी, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो NO2 NO3 ये गैसेस बन जाती है। ठीक है, और CO2S2 तो बनता ही बनता है, तो CH4 का कंबल्शन कराया तो CO2 और क्या बना, H2O2H2, तो क्या आएगा, 2O2 गैस। गैस तो जो एंथैल्पी चेंज आया, या फिर मैं ये कहूं कि जो हीट ऑफ कंबल्शन आता है वो आता है -21 किलो केल्विन। ठीक है, तो देखिए ये जो हीट ऑफ कंबल्शन है, इससे हम CH4 की टोटल हीट ज्ञात कर सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें पता है कि CO2 की टोटल हीट पता है, या फिर कहूँ कि CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, H2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं, और CH4 की दहन ऊष्मा ऑलरेडी ज्ञात है। तो क्या लिखूंगी, ΔH यानी दहन ऊष्मा, या फिर मैं कहूँ इस रिएक्शन के दौरान जो भी हीट चेंज हुआ है वो किसके इक्वल होगा, ΔSCO2 यानी CO2 की टोटल हीट, या फिर कहूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2+ΔH H2। देखिए H2 के दो मॉलिक्यूल हैं इसलिए +2 × 2 और माइनस में रिएक्टेंट की आ जाएगी ΔHCH4। ठीक है, ऑक्सीजन अपनी मूलभूत अवस्था में है, मूलभूत अवस्था में जब भी कोई एलिमेंट होता है उसकी हम टोटल एनर्जी या फिर कहूँ टोटल हीट कंटेंट क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ठीक है, तो इसका हीट कंटेंट क्या हो गया, जीरो, इसलिए मैंने इसको यहाँ शो नहीं किया। तो इसका अमाउंट कितना है, -21 इक्वल टू CO2 का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, या फिर मैं ये कहूँ CO2 की जो टोटल हीट जो होती है वो होती है 94.3 प्लस H2O की जो टोटल हीट होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो 58 होता है, -58 × 2 − 10 CH4। अब जैसे हमें इसके निकालने हैं CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, या फिर मैं ये कहूँ कि टोटल हीट निकालनी है, तो क्या आएगा, -94.3 − 58 × 2 + 21, तो ये निकल के आएगा 179 पॉइंट समथिंग निकलेगा। ठीक है, केल्विन, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, माइनस और माइनस प्लस और माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गई, CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकल के आ गई। यानी इस तरह से हम जो ये किलो कैलोरी में है, ठीक है, इस तरह से हम जो दहन उसमें उसकी हेल्प से किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। देखिए ये जो कंबल्शन एनर्जी है या फिर कहूं हीट ऑफ कंबल्शन है, एंथैल्पी ऑफ कंबल्शन है, दहन ऊष्मा जो है उसके बेस पे कोई भी फ्यूल जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब होता है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ग्राम सब्सटेंस को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने पर जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है वो उसकी क्या कहलाती है? उस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। यानी कि एक ग्राम सब्सटेंस को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको उस पदार्थ की कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। तो फ्यूल के तौर पर हम जैसे केरोसिन है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल, ये क्या काम में लेते हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसी बेस पे हम इनका ग्रेडेशन करते हैं, इनका श्रेणीकरण करते हैं और उसी आधार पे इनका यूज होता है कि जहां पे जितनी कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से उस फ्यूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कंबल्शन जो हीट ऑफ कंबल्शन उसकी हद से हम फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्ञात करते हैं और उनका ग्रेडेशन करते हैं, उनका श्रेणीकरण करते हैं। इसी तरह से जैसे फूड है, कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमने ये देखा है कि जो भी फूड पैकेट्स होते हैं उस पर कैलोरीफिक वैल्यू लिखी होती है, उसका मतलब ये होता है कि वो जो खाद्य पदार्थ है वो एक ग्राम अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उतनी कैलोरी हमें अपनी बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। हमें भी देखिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम सब जानते हैं खाना खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एटीपी एडीपी एनएडीपी इस फॉर्म में जो एनर्जी बनती है। तो अपनी बॉडी को एक निश्चित कैलोरी में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम उतना फूड लेते हैं। तो हमें ये पता उसी आधार पर डिसाइड करते हैं कि कोई भी फूड जो है उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज जो होगा तब उससे कितनी एनर्जी मिली, ये हम किससे डिसाइड करते हैं? उसकी कंबल्शन एनर्जी से, या फिर कहूँ हीट ऑफ कंबल्शन से, एंथैल्पी ऑफ कंबल्शन से डिसाइड करते हैं। ठीक है, ताकि उसी हिसाब से हम कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग जितनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी का फूड हम ले सकें, यानी कि मैं ये कह सकूँ कि संतुलित भोजन ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि कंबल्शन एनर्जी की हेल्प से हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जो भी सजातीय श्रेणी के कंपाउंड्स होते हैं, सजातीय श्रेणी की कर्मागत तो कोई भी दो यौगिक होंगे उनमें क्या है उनकी कंबल्शन एनर्जी में फिक्स डिफरेंस होता है। सजातीय श्रेणी का मेरा मतलब है जैसे कि हाइड्रोकार्बन की बात करूं, हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन में जैसे एल्केन की बात करूं तो CH4 एथेन है, C2H6 है, मेथेन है, एथेन है, C3H8 है, प्रोपेन है, तो इनमें देखिए फिक्स डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है इनमें। तो इनकी जो कंबल्शन एनर्जी जो होगी, जैसे मेथेन और एथेन की कंबल्शन एनर्जी की बात करूं तो उसमें फिक्स डिफरेंस होगा, उतना ही डिफरेंस किसमें होगा? मेथेन और एथेन और प्रोपेन की कंबल्शन एनर्जी में डिफरेंस होगा, क्योंकि दो कर्मागत जो कंपाउंड है उसके बीच में कितना डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे तो इसे सजातीय श्रेणी बोलते हैं। सजातीय श्रेणी का मतलब ये होता है कि इस तरह की श्रेणी जिसमें जो दो कर्मागत कंपाउंड जो है उनमें फिक्स ग्रुप का या फिर कहूँ कि फिक्स एनर्जी का डिफरेंस होता है, कंबल्शन एनर्जी का डिफरेंस होता है, वो सजातीय श्रेणी है। जैसे हाइड्रोकार्बन में ये एल्केन की सजातीय श्रेणी है, इसी तरह से अदर कंपाउंड्स। तो क्या होगा कि कंबल्शन एनर्जी की हद से, जैसे कि हमें कोई कंपाउंड की कंबल्शन एनर्जी मिली एक्स रे, तो वो हमें पता चल गया कि ये कोई हाइड्रोकार्बन है और इसकी कंबल्शन एनर्जी इतनी है, तो वो हाइड्रोकार्बन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो हम किससे पता करेंगे? जैसे CH4 की कंबल्शन एनर्जी हमें पता है 222 किलो कैलोरी होती है, और जैसे एथेन और मेथेन की इनके डिफरेंस की कंबल्शन एनर्जी डिफरेंस की बात करें, यानी कि CH2 जब ऑक्सीडाइज होता है ओनली, तो ये डिफरेंस लगभग 50 -15.8 किलो कैलोरी आता है। ठीक है,
तो हमें ये बताया कि CH4 कंबल की दहन ऊष्मा इतनी है और इन जो कंपाउंड है इनके डिफरेंस जो CH2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो और इनकी दहन ऊष्मा में जो डिफरेंस आता है -15.8 किलो कैलोरी आता है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि ये कंबर्शन एनर्जी है कोई भी हाइड्रोकार्बन की, तो इक्वल टू मैथेन की कंबर्शन एनर्जी माइनस एन इंटू 15.8, ये एन लिख दीजिए या माइनस यहाँ लगा सकते हैं, ई की बात है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आएगी यानी कि इसके आधार पर भी एनर्जी इधर लिखेंगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा। एन का मतलब नंबर ऑफ CH2, जितने ज्यादा नंबर ऑफ CH2 होंगे उस हिसाब से उस कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो कंबर्शन एनर्जी है उसके बेस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी ज्ञात कर सकते हैं। सजातीय श्रेणी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हमें ऑलरेडी पता है कि एक कंपाउंड की दहन ऊष्मा इतनी है और उन कंपाउंड्स के बीच में कंटिन्यूस, जैसे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन की बात करूँ तो CH2 CH2 का कंटिन्यू डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो CH2 CH2 का डिफरेंस जो आ रहा है वो CH2 CH2 का डिफरेंस आ रहा है, या फिर मैं कहूँ कि कंटिन्यूस जो ये जो हाइड्रोकार्बन है इनकी दहन ऊष्मा में कितना डिफरेंस आ रहा है, -15.8। और इसकी और ये जो CH4 है इसकी कंबल्शन एनर्जी के बेस पे हम पता कर लेंगे कि इस फॉर्मूले की हेल्प से कि एन का मान कितना रहा है, यानी नंबर ऑफ CH2 कितने हैं उस कंपाउंड में। ठीक है, उस हिसाब से उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये था यूजेस ऑफ हीट ऑफ कंबल्शन, या फिर हम यूजेस ऑफ एथैल्पी ऑफ कंबल्शन, दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट एंथैल्पी चेंज की, नेक्स्ट टाइप के एंथैल्पी चेंज की। नेक्स्ट है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहूँ या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, देखिए 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार को के तनु मिलियनों को जब मिक्स किया जाता है तो हीट रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, या फिर कहूँ उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। जैसे HCl एक्वस NaOH एक्वस से मिला NaCl, सॉल्ट बन गया, प्लस क्या बन गया, वाटर बन गया। तो इस दौरान जो रिलीज हीट हुई उसका मान है -30.7 किलो कैलोरी। ये जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। उदासीनीकरण ऊष्मा का मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु मिलियनों को जब मिक्स किया जाता है तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है यानी -13.7 किलो कैलोरी, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स है। क्यों, क्योंकि हमने जो स्ट्रॉन्ग अम्ल और क्षार लिए हैं, एसिड और बेस जो लिए हैं, वो एसिड और बेस दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार है। तो पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार जो होते हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं। ठीक है, यानी कि 100% आयोनाइज कंडीशन में रहते हैं, जबकि अगर हम स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जगह अगर हम दुर्बल अम्ल का यूज करें या दुर्बल क्षार का यूज करें तो जो रिलीज हीट होगी वो क्या है, इसके कंपेयर में कम हो जाएगी, यानी -13.7 किलो कैलोरी के कंपेयर में क्या आएगी, कम आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे HCl तो मैंने ले लिया, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, पर्पल क्षार है, इसकी जगह मैं कोई वीक बेस ले लूँ, NH4OH ले लिया मैंने, तो इस रिएक्शन के दौरान जैसे NH4Cl एक्वस प्लस H2 लिक्विड, जो रिलीज्ड हीट होगी या फिर कहूँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा होगी उसका मान होगा -12.27 किलो कैलोरी। ठीक है, यानी इसकी कंपेयर में कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बेस लिया है वो क्या ले लिया, वीक ले लिया। हालांकि एसिड तो स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन जो बेस लिया है वो क्या ले लिया, वीक ले लिया। तो वीक ले लिया, वीक बेस जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, उनके आयनाइजेशन होने के लिए उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो एनर्जी कम आई इसका रीजन यही है कि जो वीक बेस लिया है वो वीक बेस के आयनाइजेशन में एनर्जी खर्च होगी, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी का मान क्या आ गया, कम आ गया। यानी कुल मिला के ये मैं कह सकती हूँ कि ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, यानी कि -13.7 और -12.27 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, यानी +1.43 किलो कैलोरी का जो डिफरेंस आ रहा है, वो किसको शो कर रहा है,
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर मैं कहूं आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर मैं कहूं हीट ऑफ आयनाइजेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एनएच फोर ओएच, क्योंकि यहां पे HCl तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक कौन है, NH4 है, यानी कि ये वीक बेस है, तो ये जो एनर्जी में कमी आई है वो इस वीक बेस के आयनाइजेशन में एनर्जी खर्च होगी, इसलिए कमी है। तो जितनी कमी आई है वो किसको शो करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को या हीट ऑफ आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यही एक और एंथैल्पी की डेफिनेशन आ गई, हीट ऑफ आयनाइजेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन, या फिर कहूं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का क्या मतलब है, हीट ऑफ आयनाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक किसी भी दुर्बल, एक ग्राम किसी भी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के आयनाइजेशन में अवशोषित होने वाले ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, हीट ऑफ आयनाइजेशन, या फिर कहूँ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, यानी एक ग्राम कोई भी वीक एसिड है या फिर वीक बेस है उसको आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो भी ऊर्जा अवशोषित होगी, उस ऊर्जा को उस दुर्बल अम्ल या फिर उस दुर्बल छाल की क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसी में लिखूं, जैसे HCl की जगह मैंने कोई वीक एसिड ले लिया, CH3COOH ले लिया, और एक ले लिया मैंने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एक्वस, तो क्या बनेगा, CH3COOH एक्वस प्लस H2O लिक्विड, और जो न्यूट्रलाइजेशन हीट रिलीज होगी वो कितनी आएगी, -13.2 किलो कैलोरी। तो ये जो डिफरेंस है -13.7 और -13.2, ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया है, ये एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ CH3COOH। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी इसलिए कम आई है क्योंकि जो एनर्जी थी, जो कुछ एनर्जी किसमें यूज होगी, ये जो CH3COOH है इसके आयनाइजेशन में यूज होगी। ठीक है, तो ये था हीट ऑफ आयनाइजेशन। और अगर हम दोनों ही वीक लेंगे, यानी वीक एसिड ले लिया, वीक ही क्या ले लिया, बेस ले लिया, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी है ये और भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, यानी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी का मान डिपेंड करता है कि आपने जो एसिड और बेस लिए हैं वो प्रबल लिए हैं या दुर्बल लिए हैं। ठीक है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड कंडीशन में रहते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज्ड कंडीशन में रहते हैं इसलिए रिलीज एनर्जी का मान ज़्यादा रहता है। अगर आपने कोई भी जो एसिड या बेस लिया है वो अगर आपने वीक लिया है तो वो वीक है इसलिए उसका आयनाइजेशन क्या, वीक का मतलब क्या, उसका आयनाइजेशन 100% नहीं, उसका आयनाइजेशन कम होता है, तो उसका आयनाइजेशन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी का मान क्या आता है, कम आता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसके अलग अलग टाइप है वो देखेंगे, और हीट ट्रांजिशन एनर्जी या ट्रांजिशन एनर्जी के अलावा वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, इस सब की बात करेंगे। ठीक है।